एक घर में तीन भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप वैसे तो उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गवार बन के ही रह गया। सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटे बेटे की शादी हो गई और बहन ने लव मैरिज कर ली। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर उसके दो भाई डॉक्टर और इंजीनियर जो थे, लेकिन मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान था और माँ भी परेशान थी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना पिताजी गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी साधी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू आज अड्डे पे आना। चंदू ने कहा, आज नहीं फिर कभी। दोस्त ने कहा, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीबी का गुलाम ही हो गया। चंदू ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपनी रोटी के हिस्से कमा लेता था, अब दो पेट है आज और कल चार पेट हो सकते हैं। घर वाले मुझे नालायक कहते थे, मेरे लिए चलता था, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दा गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसकी इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है, लेकिन ऐसे संस्कार तो माँ बाप से मिलते हैं जो मझले बेटे में थे। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मझला ना के बराबर कमाता है। लेकिन माँ मन ही मन मझले बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत देखभाल भी करती थी, इसलिए वह बंटवारा नहीं चाहती थी। उसने बंटवारे के लिए दोनों बेटों को मना किया, लेकिन माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारा की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने को बाहर जा रहा है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है सबको साइन करना पड़ेगा। चंदू ने कहा, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो समझ में आए दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन ने कहा, अरे बेवकूफ तू गवार का गवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भैया मिले। माँ ने कहा, अरे चंदू आज रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्सों में सिर्फ उसका मायका ही है। चंदू ने कहा, ओ शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है, ठीक है आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू। चंदू माँ की ओर देख के मुस्कुराते बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीबी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुरा के, क्यों चंदूनी जी क्या मैंने गलत कहा। चंदूनी अपनी सांस से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जिसने बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। चंदू ने कहा, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का, मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने 9-9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मझले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है, सबकी पलकों पे पानी ही पानी। सबने बंटवारे का फैसला त्याग दिया और सब एक साथ ही रहने लगते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है
नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।